हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि है राजस्थान सीएचओ की अपडेट को लेकर के। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ की सीसीएच कोर्स को लेकर अपडेट के बारे में बात करेंगे, और भी अन्य अपडेट है तो आप वीडियो में बिल्कुल भी आखिर तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलें दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, सीसीएच भर्ती में सीसीएच कंप्लीट अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग सूची जारी कर दी गई है। जल्द ही सबको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मिलेंगे और सभी भाइयों का ब्रिज कोर्स भी जल्दी स्टार्ट होगा। ये आप न्यूज़ ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, सभी भाइयों का ब्रिज कोर्स जल्दी स्टार्ट होगा, मतलब कि बहुत जल्द आपका ब्रिज कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और कोई भी साथी चिंतित नहीं हो, हमारा दिल्ली आना सफल हुआ केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप, नहीं है कि 7,010 इन 810 पदों पर भर्ती हुई, ये हुआ, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट इज कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु विभागीय आदेश क्रमांक के अनुसार चयनित सूची में शामिल हुए अभ्यर्थी जिन्होंने इग्नू के माध्यम से सफलतापूर्वक ब्रिज प्रोग्राम इन सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स कर रखा है, उन अभ्यर्थियों को अपनी उपस्थिति मुख्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त अभ्यर्थियों की सेवाएं उप स्वास्थ्य केंद्र परिवर्तित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर शेष अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स पूर्ण होने तक ले जानी है। अतः संलग्नित सूची के चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्र के अनुसार 3 दिवस में 3 जिलों के नाम प्राथमिकता के आधार पर जो है 3 जिलों के नाम आपको भेजने हैं दोस्तों, uhcrajasthan.@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें। तो ये थी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़। और इसके अलावा सीसीएच कोर्स भी जल्द स्टार्ट होगा, जो है भरत जी ने, आपने अभी उनका ट्वीट देखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।